दीर्घ वर्षर स्वप्न हेब साकार बेहरेन सिलेट को हेब पक्का रास्ता। हाइकोर्ट रु आसला निर्देश कादुओ सरसर ठाए ठाए छोट छोट पोखरी आउ बर्षा दिन आसिले तो कथा सरिला। एभली विपद संकुल अवस्था रे दीर्घ वर्ष हेला जास रास्ता समस्या नहीं बारंबार प्रशासनर दृष्टि आकर्षण करिछंती। एपरिकि सात दिन अनशन भी बसिथिले ग्रामवासी हेले प्रतिश्रुति तो मिलिला हेले पूरण हेलानी। शेषरे हाइकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले स्वेच्छासेवी रोहन महत। दीर्घ दिन है बेहन सिलेट गोटे पक्का रास्ता नहीं आम बारंबार दाबी कर प्रशासन दृष्टि आकर्षण कर आसीलु हेले प्रशासन दृष्टि देलानी। नवीन बाबू का 20 वर्ष शासन में गोटे गाँक रास्ता ही नहीं पाला तो इतना आम दुखर विषय कण हो पारे से आम किए दृष्टि नहीं देवर मान्यवर ओडिशा हाइकोर्ट एक जनस्वार्थ मामला दायर करी मान्यवर ओडिशा हाइकोर्ट से मामला को दृष्टि रखी आज गाँव को पक्का रास्ता निर्माण पर बलांगीर जिलापाल निर्देश देखें से लगे आम गाँव में खुशी लहर देखा मिले मुझे बहुत खुशी हो दीर्घ दिन आम स्वप्न थी गाँव को पक्का रास्ता करवार लगे रोड जेनटा आई भल लगला रोहन मो जेन आनी जेनटा अर्डर हो आगे ने तो बहुत परिस्थिति थिला जनता कि बाइक मोटर होता इटा मैंने जीवार मुश्किल थिला। वर्षा मास बहुत असुविधा होता एवं जेनटा आसचे जे ठीक हवा। हाइकोर्ट रो आईनजीवी आशीष कुमार मिश्र सहयोग में एक जनस्वार्थ मामला दायर करते रास्ता नहीं बलांगीर जिलापाल अक्टोबर 11 रु 18 तारीख सुधा जनस्वार्थ मामला दायर कर स्वेच्छासेवी रोहन महत को निज ऑफिस को डकाई रास्ता निर्माण को नहीं निष्पत्ति नेबाकु हाइकोर्ट रो मुख्य विचारपति डॉक्टर एस मुरलीधर और विचारपति बीपी राउतराय खंडपीठ रे निर्देश देछंती। आमर भारत स्वाधीन हेबार दीर्घ 70 वर्ष बीती जाइले भी आमर पंचायत रु बेहरेन सिलेट को पिचु रास्ता कि भल रास्ताटे हेने पाथे जहाँफल बहुत असुविधा होतलु पंचायत जीवार लगे कौन सी गाड़ी बर्षा दिन खोजिले मिल ना जहा हूँ आमर युव नेता रोहन महतर ये चेष्टे हाइकोर्ट कर हाइकोर्ट बर्तमान रोड तैयार करवाई आम के जन निर्देश देछन ताम जानलू आर बहुत खुशी लगुच के से रोडटा है से रोड हेबार लगे आम अपेक्षा अच्छा। हाइकोर्ट को ऑर्डर परे एथर पक्का रास्ता रे चालिबे बोली आशा बांधिछंति ग्रामवासी। बलांगीर जिला कंटा बांजीरो भुवनेश्वर हंसक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।